नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ, सदन में हुआ पीएम का जोरदार स्वागत, नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने का सिलसिला जारी। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को किया संबोधित, कहा देश चलाने के लिए आपसी सहमति जरूरी, संविधान के मर्यादाओं का पालन करते हुए सबको साथ लेकर चलाने का दिया संदेश। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई, पटना में आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंची सीबीआई की टीम, गुजरात के गोधरा में भी सबूत जुटाने की कवायद जारी। तमिलनाडु शराब त्रासदी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ एआईएडीएमके का प्रदर्शन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लिखा पत्र, संसद परिसर में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का दिया न्योता, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने भी मामले में इंडी गठबंधन की चुप्पी पर उठाया सवाल। राजधानी दिल्ली में नहीं निकल रहा जल संकट का समाधान, भाजपा अध्यक्ष ने आप नेताओं के अनशन को बताया विफलता से बचने का बहाना, आप सरकार के भ्रष्टाचार को बताया राजधानी में पानी की किल्लत का बड़ा कारण। और आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 8 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला आज, ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और हेडलाइंस के बाद आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। लगातार तीसरी बार जनता का जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत के साथ ही लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इससे पहले पीएम जब लोकसभा पहुंचे तो उनका सदन में जोरदार स्वागत किया गया। सांसदों ने मेज थपथपाकर पीएम का स्वागत किया। वहीं पीएम के लोकसभा सदस्यता की शपथ लेने के बाद मोदी मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित किया। पीएम ने नई लोकसभा के पहले सत्र के शुभारंभ को गौरवमय और वैभव का दिन बताया। प्रधानमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत किया। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव
इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया। प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार एनडीए को जनादेश देने के लिए देश का आभार जताया। पीएम ने विश्वास दिलाया कि सरकार देशवासियों के भरोसे पर खरी उतरेगी। जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। पीएम ने कहा कि देश उस दौर को नहीं भूलेगा जिसमें संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं, हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री ने आम सहमति के साथ आगे बढ़ने की बात कही। पीएम ने कहा कि देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है, देश विपक्ष से लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा को बनाए रखने की उम्मीद करता है। संसद में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की, लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। फिल्म अभिनेता और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने को लेकर कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और जनता के भरोसे का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और तेजी से होगा, विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। डीडी न्यूज संवाददाता निशांत राय ने रवि किशन से की खास बातचीत। रवि जी, आज 18वीं लोकसभा की एक तरह से शुरुआत हुई है, आप भी संसद गए हैं, कैसा लग रहा है और तीसरी बार सरकार गठन हो रही है? गोरखपुर की देवतुल जनता को दिल से धन्यवाद और मोदी जी की गारंटी, योगी जी के पर भरोसा, हमारे कार्य 5 साल के कार्यों पे दोबारा जिता के भिजवाया, मैं धन्यवाद बस उनकी आवाज़ फिर बुलंद करता रहूँगा।
जो सेवा के लिए भेजा गया उस सेवा मैं ईमानदारी से करूंगा। शशि थरूर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उत्तर प्रदेश को लेकर हास्य बनाया गया है, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, करने अभी देखिए ऐसे होता है राजनीति में, लोग करते हैं, लेकिन अभी हार जाएंगे, अगला चुनाव उनको हारना है। विपक्ष संविधान की किताबें लेकर पार्लियामेंट में आ रहा था और फूटिंग कर रहा था, कैसा देखते हैं आप? थोड़ा बहुत तो लोग करेंगे, लोग आए हैं, नया नया आए तो कहते हैं नया नया आता है आदमी तो थोड़ा सा पगलाया रहता है। तो ये थे हमारे साथ रवि किशन, जिनका कहना है कि विपक्ष अभी थोड़ा बहुत कुछ इस तरीके से हरकतें करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज दिल्ली। और इधर ओडिशा के सुंदरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। यह जीत भाजपा के प्रति लोगों के भरोसे को दिखाती है। जनजातियों के विकास के लिए सरकार संकल्पित है। सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए कई गुना बजट का प्रावधान किया है। डीडी न्यूज संवाददाता निशांत राय ने की जुएल ओराम से खास बातचीत, आइए सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम जी हैं। ओराम जी, सांसदों ने शपथ ली, तीसरी बार सरकार का गठन हुआ, सरकार कह रही है कि इस बार विकास का रोड मैप और ज्यादा मजबूत होगा, कैसे देखते हैं? डेफिनेटली आप कोई तीसरा बार सरकार में आता है तो काफी अनुभव होता है, काफी चीजों का जानकारी रहता है और काम करने में भी जो क्या बोलेंगे उसको एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा आता है। तो इसलिए तीसरी बार सरकार हुआ है, मैं भी तीसरी बार मंत्री बन रहा हूँ, तो ये सरकार तो बहुत बढ़िया काम करेगी और बहुत स्पीड में काम करेगी। 100 दिन का टारगेट हम लोग को दे के रखा गया है और हम लोग उसको अचीव करेंगे, उसके लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादातर शोषित वंचित समाज की बात करते हैं और खासकर ट्राइबल्स की बात करते हैं। आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में जो काम किया गया था ट्राइबल्स के लिए उसको और तेज़ गति मिलेगी? डेफिनेटली आप, मैं मंत्रालय शुरू किया उस समय में बहुत कम बजट था, लेकिन आज उसका 15-20 गुना बजट हम लोग को स्पेंडिंग के लिए मिल रहा है और हम लोग खर्च कर रहा है, तो स्वाभाविक है उसके हिसाब से काम भी बढ़ेगा और लोगों का विकास भी होगा और लोगों में डेवलपमेंट का ये आ रहा है तेजी से। नीट को लेकर विपक्ष जहां सरकार को घेर रहा है, वहीं सरकार ने कई सारे ठोस कदम उठाए हैं। सरकार के द्वारा पारदर्शी अगर बात करें परीक्षा प्रक्रिया को कराने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार का प्रयास सही दिशा में है अब? हाँ, हमारा मंत्री जी सक्षम है उत्तर देने के लिए, वो तो दे रहे हैं, जो भी प्रश्न खड़ा कर रहा है उसके लिए उत्तर देने के लिए सक्षम है सरकार, पूरी तरह से सक्षम है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, जिनका कहना है कि सरकार ट्राइबल्स के विकास के लिए जिस तरीके से लगातार फंड में बढ़ोतरी की जा रही है उस दिशा में और ज़्यादा प्रयास कर रही है, और तीसरी बार जब मोदी सरकार आ रही है तो विकास की गति और तेज़ी से बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़ दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर से चुनाव जीतने के बाद पीयूष गोयल लोकसभा सदस्य बन गए हैं और इसीलिए अब राज्यसभा में नेता सदन की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है। भारत 25 से 27 जून तक नई दिल्ली में चीनी सेक्टर में वैश्विक कार्यक्रम आईएसओ परिषद बैठक की मेजबानी करेगा। चीनी और जैव ईंधन सेक्टर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 25 जून को भारत मंडपम में चीनी एवं जैव ईंधन उभरते परिदृश्य इस विषय पर कार्यशाला का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध निकाय है जिसका मुख्यालय लंदन में है। आईएसओ के लगभग 85 देश सदस्य हैं जो विश्व में चीनी उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा कवर करते हैं। चूंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसीलिए आईएसओ परिषद ने भारत को 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष नामित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के 7 साल पर एक अंग्रेजी दैनिक में
लेख को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए पोस्ट किया कि हमारे लिए सुधार 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू उपयोग का सामान काफी सस्ता हो गया है, इससे गरीबों और आम आदमी को काफी बचत हुई है। हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए सुधारों की इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल अंग्रेजी दैनिक ने अपने लेख में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि जीएसटी के 7 साल के दौरान आम परिवार शीर्ष लाभार्थियों के रूप में उभरे हैं। जीएसटी में 17 स्थानीय करों और शुल्कों को शामिल कर इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और लगभग 7 वर्षों में आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई उत्पादों और सेवाओं पर टैक्स कम कर दिया गया है। सीबीआईसी के आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद आटा, सौंदर्य प्रसाधन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर सहित अधिकांश घरेलू सामान सस्ते हो गए हैं। इससे घरेलू आय पर दबाव काफी कम हुआ और सामर्थ्य में सुधार भी हुआ है। इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से टेलीफोन पर बातचीत की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने निर्मला सीतारमण को पुनः केंद्रीय वित्त मंत्री बनने पर बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और राज्य मंत्री प्रताप राव गणपत राव जाधव भी मौजूद रहे। डायरिया से 5 साल से कम उम्र के बच्चे प्रभावित होते हैं। इस अभियान का उद्देश्य डायरिया का रोकथाम करना और उसके उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह अभियान 2 महीने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। जहां तक प्रिवेंटिव का सवाल है, ये जो हम कैंपेन चला रहे हैं ये प्रिवेंटिव के लिए ही है और प्रिवेंटिव में सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सही समय पर ओआरएस मिलना और सही समय पर इन सारी चीज़ों की देखभाल करना, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर स्वच्छ भारत मिशन में 11.5 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स का बनना और बिहेवियरल चेंज होना इज विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट मेजर इन दिस डिक्रीज ऑफ दी के इंसिडेंस ऑफ डायरिया, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि रोटा वायरस से हमारा आईएमआर कम हो इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। इस बीमारी की रोकथाम, जागरूकता और इलाज पर फोकस किया जा रहा है। In 2014, we started Mission Indradhanush, and it was in 2014 that we introduced rotavirus. At that point of time, as I remember, that in Southeast Asia region, India was the first to introduce rotavirus. In 2014, when 45 per thousand babies births jo hoti thi, usme mortality hoti thi. Now it has been reduced to 32 per thousand lives. Live births in 2020. So slowly, steadily, we are trying to see to it कि हमारा जो IMR है वो कम हो और उसी तरीके से उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तमिलनाडु के कल्लकुरिची में जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर AIADMK ने राज्य के स्टालिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अन्नाद्रमुक ने चेन्नई में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को संसद परिसर में प्रेरणा स्थल के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने इस राज्य प्रायोजित आपदा के खिलाफ काली पट्टी बांधकर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता भी दिया। इस पत्र में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने
करुणापुरम में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति की आबादी का जिक्र करते हुए इस बात पर हैरानी जताई कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी आपदा पर अब तक खामोश है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से तमिलनाडु की डीएमके इंडी गठबंधन पर इस मामले की सीबीआई जांच करवाने और राज्य के आबकारी मंत्री मुथुस्वामी को मंत्री पद से तुरंत हटाने के लिए दबाव डालने की मांग की। जेपी नड्डा ने पत्र में लिखा कि आज सही मायने में न्याय पर बात करने का समय आ गया है, न कि इसे आकर्षक अभियान नारे तक सीमित कर देने का। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज तमिलनाडु के लोग और पूरा एससी समुदाय कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से राहुल गांधी और इंडी गठबंधन दलों के नेताओं की दोहरी बातें देख रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने कल्लाकुरिची में हुई त्रासदी को पूरी तरह से मानव निर्मित आपदा बताते हुए कहा कि शायद ये नहीं होता अगर सत्तारूढ़ द्रमुक इंडी गठबंधन सरकार और अवैध शराब माफिया के बीच गहरी सांठगांठ नहीं होती। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष को 15 दिनों के भीतर 3,178 कर्मचारियों की एमएसीपी योजना के तहत पदोन्नति और वित्तीय लाभ की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल ने हाल ही में एनडीएमसी के कर्मचारियों और सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की थी। उन्होंने एनडीएमसी में 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण के 5,561 लंबित मामलों को भी 100 दिन के अंदर हल करने के निर्देश दिए हैं। और इधर गर्मी और उमस से बेहाल दिल्ली दो बूंद पानी को तरस रही है। पानी को लेकर दिल्ली वासियों में हाहाकार है। ऐसा ही हाल दिल्ली के शशि गार्डन में रहने वालों का भी है। पानी को लेकर यहाँ के निवासियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बता रही है हमारी संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा। दिल्ली में पानी की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ राजनीति भी बढ़ रही है। अभी हम यहाँ शशि गार्डन में हैं दिल्ली में स्थित, और यहाँ पर जो लोग हैं आइए उनसे जानते हैं। दीदी, आपको पानी की क्या समस्या? बहुत समस्या हो रही है, बहुत गंदा पानी आ रहा है, कभी कभी तो पीने लायक भी पानी नहीं आता। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं, हमारी हालत भी ठीक नहीं। भैया, पानी को लेकर के यहाँ क्या? मैडम, पानी की समस्या तो ये कि पानी तो बिल्कुल आज के टाइम में ख़राब आ रहा है। लोगों के पेटों में दर्द, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही है। आज पानी समय से पहले आ भी जाता था, पहले गंगा वाटर था। यहाँ सीवर का पानी आ रहा है, मेरी कई बार टंकी भरी पड़ी जाती है, वो खाली करनी पड़ती है पूरा। कई बच्चे बीमार हो गए, हमें पास से पानी लेना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है। नंबर तीसरी क्या है कि जेई और एई कोई सुनने वाला नहीं है। किसी को कंप्लेन करते वो सुनता ही नहीं, फोन ही नहीं उठाता, सुनने वाली बात तो अलग है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, नहाते हैं पानी में स्मेल आती है, पीने में पानी में स्मेल आती है। पूरी गली के लोग परेशान हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। कभी आता है, कभी नहीं आता है, और कभी एकदम ही गंदा पानी आता है और कभी आता ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं रहती है, इतनी स्मेल आती है कि बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ बच्चे भी परेशान हैं, और ये वो हैं, ये भविष्य है अपने देश का, और लगातार दिल्ली सरकार से यही गुहार कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड से इनकी एक ही शिकायत है, और वो ये कि दिल्ली में पानी क्यों नहीं मुहैया कराया जा रहा है। लगातार राजनीति हो रही है, अब देखना ये है कि सिर्फ राजनीति होगी या फिर दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान भी करेगी दिल्ली सरकार। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और इधर शिक्षाविद दिनेश सेठ ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि केस को सीबीआई को सौंपने के बाद जांच में पारदर्शिता आएगी। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ऑल ऑफ अस वी आर वर्किंग टुवर्ड्स पोजीशनिंग भारत एज ए हब ऑफ नॉलेज और अ सीट ऑफ लर्निंग, एंड देयरफॉर द एडमिशन or the eligibility exam should be conducted by a professional agency like NTA. Challenges and loopholes can easily be plugged in, but the sanctity and integrity of NTA should not be challenged.
टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने होंगी। अफगानिस्तान के हाथों हारने के बाद ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। इस मैच में मिली जीत के साथ भारतीय टीम ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। वहीं इस मैच में मिली हार ऑस्ट्रेलिया का अभियान समाप्त कर सकती है। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल मेरी और मेरी सहयोगी बीना के साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।